गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट किसी भी डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जिसके अंदर में अगर हम मोस्ट ऑफ द केस में बात करें तो लॉजिक गेट के अंदर में दो इनपुट सिग्नल दिया जाता है और एक आउटपुट सिग्नल वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो इनपुट सिग्नल है ये हाई और लो के टर्म में हो सकता है। हाई या लो कहने का मतलब कि जो भी इनपुट सिग्नल डालेंगे वो हम अगर हम बाइनरी वैल्यूज़ की बात करें तो लो के लिए जनरली हम लोग जीरो यूज़ करते हैं और हाई के लिए वन यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये कि डिजिटल सर्किट के अंदर में लो करंट जो है वो जीरो वोल्ट प्रोड्यूस करता है और जनरली हाई वोल्ट जो है वो 5 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं। ठीक है, लो के लिए जीरो और हाई के लिए वन लेते हैं। लो स्टेज जो है, लो स्टेट जनरली 0 वोल्ट को प्रोड्यूस करता है, जहाँ कि हाई स्टेट अप्रोक्सीमेटली 5 पॉजिटिव वोल्ट को दिखाता है ये। ठीक है, लॉजिक गेट 7 तरीके का होता है, एंड गेट और नॉट नैंड नॉर एक्जोर और एक्जनोर। अब हम बारी बारी से ये सारे गेट्स के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। यहाँ पे सारे गेट को बताने के लिए हम एक टेबल का यूज़ कर रहे हैं। टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है उसमें नाम यूज़ करेंगे, कौन सा गेट के बारे में जिक्र करें उसके बारे में लिखेंगे। सेकेंड नंबर में ग्राफिकल सिंबल उस गेट का क्या होगा उसके बारे में लिखेंगे। फिर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा उस गेट का, और सबसे लास्ट में ट्रुथ टेबल के बारे में हम बताएंगे। तो पहले नंबर से शुरू करते हैं, एंड गेट। ठीक है, अगर एंड गेट के ग्राफिकल सिंबल की बात करें हम तो ये डी शेप होता है इसका ग्राफ। ठीक है, अगर हम दो इनपुट को प्रोड्यूस करेंगे तो इधर साइड से इनपुट देना है ए बी, ये आपका इनपुट हो जाएगा और फ्रंट एंड से इसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। मान लेते हैं ये आउटपुट जेड निकल रहा है इसका। ठीक है, तो आउटपुट फंक्शन जो है एंड गेट के अंदर में अगर हम इनपुट ए और बी यूज कर रहे हैं तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा ये डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आउटपुट निकलेगा। कहने का मतलब अगर हम ए बी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड गेट के अंदर में तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी। अगर आप इनपुट ए बी सी प्रोड्यूस करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी एंड सो ऑन। अगर ए बी सी डी करेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो चूंकि हम इनपुट वेरिएबल दो यूज़ कर रहे हैं ए और बी, तो यहाँ से ए बी ले लेंगे और जेड इज इक्वल्स टू ए डॉट बी आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा। दो इनपुट है, ठीक है, तो दो इनपुट के लिए 4 पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 कॉइन दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास 2 कॉइन दिया हुआ है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर हम उसको फ्लिप किए तो। पहला पॉसिबिलिटी है दोनों कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी पहले पे हेड सेकंड पे टेल, तीसरा पॉसिबिलिटी पहले पे टेल सेकंड पे हेड, और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है दोनों पे टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हेड को 1 एज्यूम करें और टेल को 0 एज्यूम करें तो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा 1 1, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 1 0, थर्ड नंबर 0 1 और फोर्थ नंबर 0 0। सेम यही चीज़ लिख देते हैं, आप ऑर्डर किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 0 0 लिखते हैं, फिर से 0 1 1 0 और लास्ट में 1 1। अब आपको ट्रुथ टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम एंड गेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो एंड गेट का जहाँ पे इनपुट दोनों इनपुट 1 है वहीं पे आउटपुट 1 होगा। कहने का ये मतलब एंड गेट के अंदर में अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 होता है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा उसका। जैसे पहले में हम देख रहे हैं पहले रो में दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 1 ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 ये भी 0 हो जाएगा। मतलब एंड गेट के अंदर में जब दोनों इनपुट वेरिएबल 1 होगा तभी रिजल्टेंट मेरा 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा अगर एक भी 0 रहेगा तो। अगर हम 3 के लिए वेरिएबल के लिए बात करेंगे तो जहाँ पे तीनों इनपुट 1 होगा वहाँ पे 1 होगा, अदरवाइज हम 0 ही लिखेंगे। क्लियर,
नेक्स्ट नंबर गेट के बारे में आते हैं, डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर है और गेट। और गेट के अगर हम सिंबल की बात करें तो ये सेमी सर्कल आपको बनाना है, हाफ सर्कल, फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है। अब इसमें मिनिमम इनपुट की अगर हम बात करते हैं तो जो एंड गेट है ये प्रोडक्ट के तरह से यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए मिनिमम दो नंबर की ज़रूरत है, तो मिनिमम इनपुट अगर एंड गेट में पूछेगा तो टू, और मैक्सिमम पूछेगा तो अनडिफाइंड, मतलब आप कितना भी डाल सकते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। इसी तरीके से और गेट जो है आपका ये सम के लिए यूज किया जाता है, तो मिनिमम नंबर सम करने के लिए कितना चाहिए, दो, ठीक है। तो इसमें मिनिमम इनपुट कितना हो जाएगा और गेट के अंदर में, ये दो हो जाएगा। ए और बी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये जेड अगर आउटपुट निकलता है तो अल्जेब्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, हम पहले बता चुके हैं सम की तरह यूज होता है, क्लियर। अगर तीन देंगे ए बी सी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल देखिए इसका, ए बी जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर चारों डालेंगे ये जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। एंड गेट में हम क्या बता रहे थे, एंड गेट में बता रहे थे कि अगर दो इनपुट पे हम बात करें तो दोनों में से किसी एक ट्रुथ वैल्यू का वैल्यू अगर जीरो है तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंड गेट में वन कब होगा, जब दोनों इनपुट वेरिएबल वन होगा। अब हम और गेट में अगर बात करें तो और गेट कहता है एंड का जस्ट अपोजिट, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रुथ वेरिएबल वन हो तो रिजल्ट वन हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक वन हो, यहाँ पे वन है तो रिजल्ट वन हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक वन हो, यहाँ पे वन है तो रिजल्ट वन हो जाएगा, और यहाँ पे तो दोनों ही वन है तो वन हो जाएगा। मतलब जीरो कहाँ पे होगा, जब दोनों जीरो होगा तभी जीरो होगा, अदरवाइज एक भी वन है तो रिजल्ट आपका और गेट के अंदर में वन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, इन्वर्ट मतलब उल्टा, ठीक है। तो नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। अगर हम फिगर की बात करें तो ये ट्रायंगल से फिगर होता है, पहले आपको ट्रायंगल बना देना है, आगे में एक जीरो लगा देना है, ठीक। नॉट गेट के अंदर में एक ही इनपुट वेरिएबल होता है, ये भी याद रखना है, बाकी सारे गेट में कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम दो, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन नॉट गेट के अंदर में इनपुट आपका एक ही होगा। अगर आउटपुट को हम जेड से दिखाएं तो जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए डैश पढ़ते हैं इसको, या ए बार पढ़ते हैं, या ए सी लिख सकते हैं, ये कम्प्लीमेंट कहा जाता है। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, ए एक इनपुट वेरिएबल है तो जेड इज इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट अपोजिट कर देता है। अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अगर हम जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वन आ जाएगा नॉट गेट के अंदर में, और अगर वन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट नंबर है नैंड गेट। मतलब क्या, अगर एंड गेट में नॉट गेट को हम ऐड कर दें तो नैंड गेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तो एंड गेट बना लीजिए आप, अगर हम इसके अंदर में दो इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो इसके आगे आप नॉट गेट लगा दीजिए, ठीक है। मतलब क्या, अगर एंड गेट में हम नॉट गेट को ऐड कर देते हैं तो नैंड गेट का फॉर्मेशन हो जाता है। चाहे तो इस फिगर को आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो आप इसी फिगर को ऐसे कुछ बना सकते हैं। ये रहा इनपुट आपका ए बी, और ये नॉट गेट आप जीरो भी अगर ऐड कर देंगे तो सेम बिहेव करेगा दोनों ही, ठीक है। ये जेड, तो अल्जेब्रिक फंक्शन के थ्रू अगर हम बात करें तो क्या देख रहे हैं हम, सबसे पहले एंड गेट लिखे हैं और लास्ट में क्या किए, एंड गेट के ऊपर में नॉट लगा दिए हैं हम, तो मेरा नैंड गेट का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल मेरा बनेगा ए और बी दो इनपुट लिए हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए डॉट बी निकालेंगे, और लास्ट में जो फंक्शन है आपका जेड इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इसको लिख लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल तो चार इनपुट, जीरो जीरो
0110 और 11 एंड गेट के लिए हम क्या बताएं, एक भी 0 तो 0, तो ये भी 0 0 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नॉट गेट यहाँ पे लगाना है नैंड गेट के लिए, फंक्शन लिखने के लिए जी जहाँ पे 0 दे रखा है वहाँ 1 कर देना है, और जहाँ 1 है वहाँ पे 0 कर देना है, तो ये आपका नैंड गेट बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर है नॉर गेट। नॉर गेट और गेट में अगर हम नॉट गेट को ऐड कर दें तो नॉर गेट बन जाता है। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे फिगर बनाएंगे तो या तो आप पहले और गेट बनाइए और उसमें नॉट गेट को ऐड ऑन कर दीजिए। तो दो इनपुट है ए और बी, ठीक है। अब इसी फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हम ऊपर में बता रहे थे, ये पूरा शेप ना लिखे सिर्फ सर्कल भी आप लगा देंगे तो दोनों सेम ही बिहेव करेगा, ठीक है। ये इनपुट है आपका ए और बी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या किए हैं ए प्लस बी कर लिए हैं, और गेट लगा दिए हैं, फिर और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिए हैं, तो होल पे हम कम्प्लीमेंट डाल देंगे। चाहे तो आप यहाँ से ये कम्प्लीमेंट अगर नहीं डालना चाहते तो बाहर भी डाल सकते, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हम थ्रू टेबल की बात करें तो ये रहा आपका ए बी इनपुट, फिर उसके बाद आप ए प्लस बी निकाल लीजिए और सबसे लास्ट में फंक्शन जो है आपका जेड आउटपुट फंक्शन उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट में हम क्या बता रहे थे, और गेट में बता रहे थे जब दोनों में से कोई भी एक ट्रुथ वेरिएबल 1 तो वैल्यू उसका 1 हो जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देना है क्योंकि कम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसके ऊपर में, तो ये 1 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका XOR, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव OR। OR गेट एक्चुअली दो होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव OR गेट और दूसरा होता है इंक्लूसिव OR गेट। जो अभी हम पीछे एंड गेट पढ़ रहे थे उसको इंक्लूसिव OR गेट कहा जाता है, ठीक है, और XOR गेट को एक्सक्लूसिव OR गेट कहा जाएगा। तो दोनों के ग्राफिकल सिंबल में वेरिएशन लाने के लिए क्या किया गया, आप पहले OR गेट बना लीजिए, OR गेट बना लीजिए, और OR गेट के आगे में जैसे ये सेमी सर्कल से हम बताए बनता है, एक और सेमी सर्कल लगा लीजिए आप। अब जब ही आप इनपुट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इनपुट प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइन को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ए और बी अगर इनपुट देंगे हम तो ये पहला यहाँ पे वेरिएशन आया और ये आउटपुट फंक्शन जेड है। अब देखिए अल्जेब्रिक फंक्शन में भी वेरिएशन है, इसमें क्या वेरिएशन है कि अगर हम इंक्लूसिव और फंक्शन को लिख रहे थे तो सिर्फ प्लस लिख रहे थे, लेकिन अगर हम एक्सक्लूसिव और फंक्शन को लिखेंगे तो प्लस तो लिखेंगे ही लेकिन सर्कल से इसको हम राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लूसिव गेट बन जाएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल ऐसा होगा कुछ आपका, ए बी दो इनपुट है, ठीक है, तो जेड इज इक्वल्स टू अगर ए एक्सक्लूसिव और बी लिखना है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों ट्रुथ वेरिएबल वैरी करे, ठीक है, या यू कह सकते हैं इसको, जहाँ पे दोनों ट्रुथ वेरिएबल सेम हो, तो कहाँ कहाँ पे सेम है, 0 0 पे और 1 1 पे, जहाँ पे सेम है वहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। जहाँ पे दोनों इनपुट वैल्यू सेम है वहाँ पे 0, जहाँ डिफर कर रहा है वहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो ये आपका एक्सक्लूसिव OR गेट हो गया। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। अगर इसका भी वैल्यू आप निकालेंगे ट्रुथ टेबल के हेल्प से तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसी के, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम बताएं जहाँ पे दोनों इनपुट वैल्यूज सेम वहाँ पे 0 पुट कर देना है, और जहाँ पे दोनों इनपुट वैल्यूज डिफर करे वहाँ पे आपको 1 रखना है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल बन जाएगा एक्सक्लूसिव OR गेट का। एक और है एक्सक्लूसिव NOR गेट, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका XNOR, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव NOR गेट बोलते हैं। अगर हम ग्राफिक्स इसके ग्राफिकल सिंबल की बात करें तो सबसे पहले आपको XOR गेट बना लेना है और NOT गेट को उसमें ऐड ऑन कर देना है,
ठीक है, ये इनपुट हम दो प्रोड्यूस कर रहे हैं ए बी, और इसमें नॉट गेट लगाते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे जीरो लिख लीजिए, नहीं तो आगे नॉट गेट लगा लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा आपका। ये जेड, जेड आउटपुट फंक्शन है। अगर हम अल्जेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो ये जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और गेट में क्या कर रहे थे, ए प्लस करके सर्कल कर रहे थे, इसका जस्ट अपोजिट है ये, तो डॉट करके सर्कल कर देंगे, तो ये आपका अल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन है 00, 01, 10 और 11, ठीक है। एक्सक्लूसिव और गेट में हम क्या बोले थे, जहाँ पर सेम हो रहा है वहाँ पे जीरो कर दीजिए, और जहाँ पे डिफर कर रहा है वहाँ पे वन कर दीजिए, तो जस्ट उसका रिवर्स है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर में जहाँ पे सेम हो रहा होगा दोनों ट्रुथ वेरिएबल वहाँ पे वन कर देना है, और जहाँ पे दोनों ट्रुथ वेरिएबल डिफर करेगा वहाँ पे जीरो कर देना है, तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। अब इस सारे गेट के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ताकि और आपको डीपली समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको इस गेट के हेल्प से आइडेंटिफाई करना है कि ये गेट का आउटपुट किस गेट को मैच करता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन के अंदर में हम देख रहे हैं क्या, पहले क्वेश्चन में x और y दो इनपुट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप एक ट्रुथ टेबल सबसे पहले ऐसे डिज़ाइन कर लीजिए, ये x रहा, ये y रहा, ये है जेड, दो वेरिएबल है, तो 00, 01, 10 और 11, ये चार इनपुट प्रोड्यूस करेंगे आप, ठीक है। अगर यहाँ से हम 00 डालते हैं तो फिर क्या होगा, ये नॉट गेट है, ये इसको 11 कर देगा, और अगर आप और गेट के अंदर में 1 प्रोड्यूस करते हैं दोनों इनपुट 1, तो रिजल्ट क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 01 अगर डालते हैं, तो मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा, चूँकि 1 कर रहे हैं नॉट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 भी प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर 1 ही निकलेगा। फिर है 10, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो सेम ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल एक्सचेंज करा, बाकी तो सेम ही है। अगर दोनों 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 कर दिए, यहाँ भी 1 कर दिए, तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और गेट के अंदर जब दोनों इनपुट वेरिएबल 0 है तो रिजल्ट 0 हो जाता है। ऐसा कौन सा गेट था जहाँ पे अगर 00 प्रोड्यूस कर रहे थे तो 1, 01 कर रहे थे तो 1, 10 कर रहे थे तो 1, और 11 कर रहे थे तो 0 आ रहा था, ये कौन सा गेट था आपका। एंड का रिवर्स मतलब नैंड गेट, तो पहला गेट जो है आपको वो नैंड को बता रहा है, क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, इनपुट देख लीजिए, सबसे पहले इनपुट कितना है, 2, एक्स और वाई, तो ये लिख लेते हैं एक्स और वाई, ये तो पहला हो गया आपका, एक्स और वाई और फंक्शन जेड, इनपुट 00, 01, 10, 11, ठीक है। अगर 00 पास करते हैं तो क्या होता है, x का वैल्यू भी 0, यहाँ से y का वैल्यू भी 0, नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ, तो ये 1 कर देगा, अगर 01 प्रोड्यूस करेंगे तो एंड गेट के अंदर में 0। फिर यहाँ से देखते हैं हम, ये 0 का 0, y तो 0 ही जाएगा डायरेक्टली, x 0 तो 0 का 1 कर दिए, तो 10 फिर से एंड गेट के अंदर जाएगा तो 0, 00 और गेट के अंदर में जाएगा तो 0, मतलब ये पहला हो गया 0। नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन हम पिक करते हैं, पहला इनपुट है x है 0 और y है 1, x 0 और y 1 यहाँ से कर दीजिए, ठीक है, 1 कर दिए, अब ये नॉट गेट लगा हुआ है तो 1 क्या करेगा, 1 को ये 0 कर देगा, तो इस गेट के अंदर में 1 का 0, और 00 एंड गेट के अंदर में जा रहा है तो 0 हो जाएगा। अब हम इस गेट के लिए देखते हैं, y तो डायरेक्टली जा रहा है, मतलब y का वैल्यू तो 1 ही रहने वाला है, और x 0 जा रहा है, लेकिन इसका नॉट करेंगे तो x 1 हो जाएगा, और जब हम 11 प्रोड्यूस करेंगे एंड गेट के अंदर में तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट इसका 1 हो जाएगा, और 01 जब हम प्रोड्यूस करेंगे और गेट के अंदर में, तो हम क्या बताए थे, और गेट में अगर एक भी 1 तो 1 हो जाएगा, तो 01 ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 10 भी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रिवर्स कर रहा है, इसीलिए।
अगर दोनों वन वन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, सिर्फ आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि y में तो वन डाल ही रहे हैं, वन और ये जीरो, तो ये जीरो हो गया आपका वन। ठीक है, तो ये वन गया और यहाँ से वन, वन अपोजिट करेंगे तो जीरो, और जीरो वन जीरो, जीरो जीरो और गेट में जाएगा तो रिजल्ट जीरो। ऐसा कौन सा गेट था जहाँ पे हम बताए थे दोनों सेम तो इनपुट जीरो, दोनों सेम तो इनपुट जीरो, जहाँ डिफर करे वहाँ पे वन, कौन सा गेट था? एक्सओआर गेट, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेकेंड नंबर गेट जो है आपका ये एक्सओआर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पे भी इनपुट एक्स और वाई ही दिया हुआ है, फिर से एक्स वाई ले लेते हैं और जेड ले लेते हैं, तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। अगर हम जीरो जीरो को पिक करें तो जीरो वाई भी जीरो, जीरो जीरो क्योंकि दो बार जा रहा है इनपुट, एंड गेट है दो इनपुट जा रहा है, जीरो जीरो। ठीक है, तो जीरो डॉट जीरो तो जीरो हो जाएगा, बाहर नॉट लगाया हुआ है, क्या हो जाएगा? जीरो का अपोजिट वन। सिमिलरली यहाँ भी वन हो जाएगा, वन वन एंड गेट प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट वन, लेकिन नॉट लगा हुआ उसको वो जीरो कर देगा। नेक्स्ट नंबर जीरो वन प्रोड्यूस करते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो और वाई का वैल्यू वन, तो ये वन वन डबल टाइम है तो ये वन डॉट वन वन हो जाएगा, लेकिन नॉट गेट है तो इसको जीरो कर देगा और ये तो सेम ही रहेगा। वन जीरो एंड गेट के अंदर में जा रहा है तो वन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो, लेकिन बाहर नॉट है तो वन कर देगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। फिर इसका जस्ट अपोजिट है वन जीरो, तो वन जीरो भी करेंगे तो आपका सेम ही आएगा, वन ही आएगा। फिर वन वन करेंगे तो क्या होगा? एक्स का वैल्यू भी वन, वाई का वैल्यू भी वन, वन डॉट वन 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 हो जाएगा एंड गेट, लेकिन नॉट लगा हुआ उसको वो जीरो कर देगा। ठीक है, फिर वन डॉट वन वन करेगा लेकिन नॉट लगा हुआ जीरो कर देगा। अब जीरो डॉट जीरो जीरो लेकिन नॉट गेट है तो ये वन कर देगा, कौन सा गेट है? देखिए और गेट है, एक भी इनपुट वन तो रिजल्ट वन, ये और गेट को बता रहा है। आई थिंक ये सारे तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ बुलियन फंक्शन दे रखा है, आपको उसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स वन कम्प्लीमेंट एक्स टू का होल कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वन एक्स टू, आपको लेफ्ट से पिक करके राइट की तरफ चलना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें इनपुट कितना है, तो इनपुट दो दिख रहा है x1 और x2, कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना है अभी, इनपुट दो है x1 x2, लेफ्ट से राइट की तरफ चलिए। तो मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल क्या कहता था, पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए। अगर हम x1 x2 के बीच के सिंबल की बात करें तो कौन सा सिंबल है? डॉट, तो आप एंड गेट बना लीजिए। एंड गेट के अंदर में इनपुट क्या जा रहा है? एक्स वन, लेकिन कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है और एक्स टू जा रहा है, तो ये हम लिए एक्स वन और ये लिए एक्स टू। ठीक है, एक्स टू तो डायरेक्ट जा रहा है लेकिन एक्स वन कम्प्लीमेंट के साथ जा रहा है, तो नॉट गेट आप लगा दीजिए। क्लियर, ये लाइन टेढ़ा नहीं करना है आपको, सीधा ही खींचना है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हम तिरछा कर दिए। फिर बाहर निकले तो क्या लगा हुआ है? नॉट, तो यहाँ पर आप नॉट गेट फिर से ऐड कर दीजिए, बन गया ये। ठीक, अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? x1 डॉट फिर से x2 दिया हुआ है, तो फिर से आप एक एंड गेट लीजिए। ठीक है, बार बार इनपुट नहीं लेना होता है, इनपुट जैसे x1 x2 ले चुके हैं तो अब इस गेट के लिए हम दोबारा नहीं लेंगे, हम एक ही बार लेंगे और उसी से कनेक्शन करेंगे। x1 डॉट x2 है, अब देखिए यहाँ से पीछे से आपको यहाँ से वायर कनेक्ट कर देना है, x1 और यहाँ से x2। अगर हम यहाँ से पिक करते तो x1 का कम्प्लीमेंट चला जाता, तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकला, अब इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या कनेक्ट कर रहा है? प्लस, तो प्लस के लिए कौन सा गेट? और गेट, तो आप और गेट बना लीजिए। और आपका पहला फिगर बन गया, यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा, टोटल फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे, तो ये पहला हो गया आपका। सेकेंड नंबर देखिए, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहला एंड गेट मिला ब्रैकेट के अंदर में तो आप एंड गेट ड्रॉ कर लेंगे। क्या इनपुट जा रहा है? एक्स वाई, तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, डायरेक्टली जा रहा दोनों। बाहर निकले तो नॉट गेट, तो नॉट गेट आप ट्रायंगल लगा दीजिए या एक सिंपली जीरो भी डाल देंगे तो नॉट गेट को ही दिखाएगा वो। फिर सेकेंड पार्ट क्या है इसका? एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों के बीच में डॉट है तो फिर से एंड गेट बनाएंगे।
एक्स वाई जेड जा रहा है तो एक्स का कनेक्शन ऊपर से ही कर देंगे, वाई का भी यहाँ से कर देंगे और जेड का इंडिविजुअली पास करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कौन कर रहा है? और गेट, तो और गेट डिजाइन कर लीजिए आप और फिर इसमें ऐड कर दीजिए। ये भी आपका बन गया, यहाँ से आउटपुट फंक्शन बाहर निकल जाएगा। तीसरा नंबर, सी नंबर, सी नंबर में दे रखा है एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स थ्री प्लस एक्स फोर। अगर लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो पहला ब्रैकेट मिला जहाँ पे दोनों के बीच में और से कनेक्ट करना है, तो और गेट आप डिजाइन कर लीजिए। क्या क्या इनपुट जा रहा है? एक्स वन जा रहा है और एक्स टू जा रहा है। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलते हैं तो डॉट के साथ देख रहे हैं, इसके इसके साथ और इसके साथ दोनों के बीच में डॉट है, तो फिर से आप क्या करेंगे? एंड गेट बना लेंगे। और एंड गेट के अंदर में क्या जा रहा है? एंड गेट के अंदर में एक तो ये जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है? एक्स थ्री जा रहा है। तो ये हम एक्स थ्री इनपुट डाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है और ये पूरा, ठीक है, ये पूरा तो बन चुका मेरा, यहाँ से बाहर निकल रहा है ये पार्ट, ये पूरा पार्ट यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब X4 भी है, दोनों को ऐड कौन कर रहा है? प्लस ऐड कर रहा है, तो आप और गेट डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, और गेट के अंदर में एक तो ये पूरा चला गया और लास्ट में क्या जाएगा? X4 जाएगा आपका। तो सारा इनपुट एक लाइन में दिखना चाहिए, ये नहीं है कि इनपुट आप आगे से दे देंगे। अगर आगे से देंगे तो फिर आपके लिए ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आप तो दे तो सकते हैं कहीं से भी, आप X4 है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए इनपुट एक ही लाइन के अंदर में डालेंगे आपको आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। ठीक है, अप्रोप्रिएट जो भी कॉमेंट आपको लगता है वो कॉमेंट भी करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिस तरीके से होगा हम लोग आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।